गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और गाइज ये जो है ये हमारी सीक्रेट ट्रिक्स ऑफ COC में आएगा, मतलब उसकी जो प्लेलिस्ट है हमारे पास, है ना। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई यार के नई आईडी बना ली। नहीं गाइज कोई नई आईडी नहीं बनाई है, ये जो मेरा पुराना क्लियन था रॉयल एम्पायर उसमें मैंने गलती से एक आईडी बन गई थी और ये बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। मतलब मुझे कभी नहीं मालूम कि भाई कभी जब भी गेम डिलीट करूँगा ये ख़त्म हो जाएगी, और उसके पहले भी हो सकती है क्योंकि भाई इसका कोई वो नहीं अपने पास कि भाई ये वापस आ जाए, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी। बट ये सेव उड रह गई और अभी भी कभी भी मेरे को कोई भरोसा नहीं कब ख़त्म हो जाए। तो उसमें मुझे एक चीज़ मिली कि भाई ये मैंने क्लेम छोड़ा था, इसकी एक अलग स्टोरी है, तो वो मैं आपको कभी सुनाऊंगा आपको जब मैं अपनी COC की लाइफ स्टोरी वो करूँगा इस पर, तब सुनाऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई एक लीडर चेंज कैसे होता, ऑटोमेटिक फीचर क्या है ये COC का जो चेंज कैसे होता है लीडर। तो ये एक अजीब सी बात है कि भाई लीडर कैसे चेंज होता है, ये कैसे होता है भाई COC में। बाद में आया था ये अपडेट करने के बाद, मतलब जब अपडेट हुआ था थोड़े टाइम हो गया, मतलब 1-2 साल हो गए होंगे गाइस तब ये अपडेट आया, तो उसमें ये फीचर डाला गया था। तो ऐसा होता है कि जब अगर कोई भी एक क्लेन का लीडर 60 डेज से ज़्यादा ऑफलाइन हो जाए तो एक रोटेटेड मेल आता है जो कि मुझे मिला है इस क्लेन में। ये देखिए ऑटोमेटिक मेल, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, ठीक है चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। द लीडर ऑफ दिस क्लेन हैज़ बीन इनएक्टिव फॉर मोर देन 60 डेज, द लीडरशिप ऑफ दिस क्लेन विल बी रोटेटेड इन 30 डेज टू द हाइएस्ट सर्वाइविंग एंड द हाइएस्ट रैंक एक्टिव प्लेयर टू स्टॉप द रोटेटिंग ऑफ रोटेशन फ्रॉम द हैपनिंग द करंट लीडर नीड टू लॉग इन द करंट, है ना। इतना तो आप लोग समझ में बता देता हूँ। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई जो लीडर है इस क्लेन का वो 60 डेज से ज़्यादा जो है वो बंद, मतलब आया नहीं है, एक भी बार लॉग इन नहीं किया, तो उसकी जो लीडरशिप है उसे रोटेट करना पड़ेगा, और जो रोटेशन होगा वो 30 डेज के अंदर अंदर होगा, 30 डेज के बाद होगा। तो इस 30 डेज में उसके पास चांस है कि भाई वो एक बार लॉगिन कर ले इस गेम को, मतलब COC को उसकी आईडी से, तो ये रुक जाएगा। और अगर उसने नहीं किया 30 डेज के अंदर अंदर तो ये जो लीडरशिप है ये रोटेटेड हो जाएगी हरक्यूलिस को। अब ये हरक्यूलिस एक प्लेयर है जो कि इस क्लेन में है रॉयल एम्पायर, ये देखिए हरक्यूलिस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस क्लेन का एक प्लेयर है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई यार ये क्या है, ये क्या है भाई, एकदम से रोटेट कैसे हो जाएगा। हाँ गाइस ऐसा होता है, COC का एक फीचर है कि भाई क्योंकि पहले क्या होता था जब COC में ऐसा नहीं था कोई फीचर, तो भाई बहुत सारे क्लेन जो बहुत टॉप लेवल के रहते थे उनमें ऐसी गड़बड़ हो जाती थी कि भाई लीडर की आईडी डिलीट हो गई या ये कुछ हो गया, तो भाई उसके बाद लीडर का क्या, और इतना बड़ा क्लेन बंद हो गया। तो इसके बाद ये फीचर डाला कि भाई जब वो 60 डेज में नहीं आया तो भाई उसको बंद, मतलब उसका लीडरशिप ले ली जाएगी और दूसरे को दे दी जाएगी। और ये होगा कि भाई को लीडर होगा, रैंक देखी जाएगी वो कब एक्टिव आया है कि नहीं, लास्ट टाइम कितने दिन में आया है, ये सब चीज़ें रैंक के वाइज, और उसकी एल्डर है को लीडर मेंबर को नहीं दी जाती गाइस। ये तो मेरा पर्सनल चीज़ है कि भाई मेंबर को ये चीज़ नहीं दी जाती, अगर जैसे कि कुछ क्लेन्स होते हैं ना जिसमें सब मेंबर होते हैं उसमें ये चीज़ नहीं लागू की जाती है, सिर्फ उसी में होते हैं जिसमें एल्डर या कोलीडर पहले से होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही होगी। तो गाइस ये सीधी सी बात है कि भाई ऐसे ही फीचर है एक। तो इसमें ऐसा होता है कि लीडरशिप रोटेट कर दी जाती है, दूसरे को दी जाती है, और फिर अगर वो भी एक्टिव नहीं होता तो और आगे पास आउट की जाती रहती है। तो गाइस ये सीधी सी बात है कि भाई अब ये रोटेटेड होगी और ये मिल जाएगी अब दूसरे बंदे को, और उसके बाद शायद और अगर वो भी नहीं आया, क्योंकि वो आना चाहिए। तो गाइज़ अगर जो भी लीडर देख रहा हो अपने वीडियो को, तो गाइज़ आप में जो भी लीडर देख रहा हो तो भाई ध्यान दिमाग में बिठा लो इस बात को, अगर एक्टिव नहीं हो खुद लीडर हो कहीं पर तो भाई एक्टिव एक बार ऑनलाइन आ जाओ। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि भाई यार अगर आप खुद लीडर हो और भाई ऑनलाइन नहीं आ रहे हो तो भाई क्लेन को, मतलब एक काम करो ना किसी और बंदे को दो जो एक्टिव हो आपके क्लेन में, क्योंकि देखो यार भाई खुद की आईडी रख भी लोगे तो क्या हो जाएगा, क्लेन ठप ही होना है ना, मतलब बंद हो जाएगा ना, क्योंकि भाई कोई भी ऐसा बंदा बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि भाई लीडर नहीं और मैं भी क्लेन चला रहा हूँ तब से। तो जो भी है भाई या तो दूसरे को दे दो या तो भाई चली जाएगी अपने आप, और अगर नहीं हो तो भाई एक बार लॉक इन कर लो वरना भाई क्लेन हाथ से निकल जाएगा। और बहुत सारे हो जाता है, मुझे भी अभी मालूम पड़ा गाइस जब मैंने इसको गलती से खोल दी थी आईडी को,
तो मुझे मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई हम ही आ जाते तेरे क्लेन में और ले लेंगे इस क्लेन को, तो गाइस ऐसा नहीं होगा। ये उस टाइम से ही मतलब अब इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि एक हरक्यूलिस को, यानी अब कोई भी बंदा रोक नहीं सकता, उसके अलावा जो लीडर है अगर वो लॉग इन होता है तो ही ये प्रोसीजर रुकेगा, वरना हरक्यूलिस को चली जाएगी। भले आप कितना भी एक्टिव लो, कुछ भी कर लो, हाइएस्ट रैंक भी लिया, पर आपको ये क्लेन नहीं मिलेगा जब, क्योंकि सुपर सेल ने साफ साफ लिख दिया कि भाई ये हरक्यूलिस को दे रहे हैं हम क्लेन। लेकिन हाँ, अगर ये हरक्यूलिस को मिल गया उसके बाद ये एक्टिव नहीं आता है, और अगर आप लोग क्लेन में आ जाते हो और काम करते रहते हो और एक्टिव रहते हो, तो हो सकता है आपको मिल जाए। सिंपल सी बात है, आपको मिल भी सकता है अगर हरक्यूलिस वैसे एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ भाई ये मेरे ही क्लेन है, और आप लोग सोच रहे होंगे भाई यार खुद का क्लेन है। और फिर गाइस ये एक बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे कि भाई मेरा क्लेन कैसे मेरे हाथों से निकल गया। तो वो सीधी सी बात है यार भाई, ये मेरे हाथों से निकल गया मेरा क्लेन, उसकी वजह से मैं को दूसरा क्लेन बनाना पड़ा, जिसको आप जानते भी इंडियन एम्पायर है अपना भाई क्लेन, तो उस क्लेन में हूँ मैं, तो मेरा ही है वो भी और ये भी मेरा ही है। तो भाई अब ये हरक्यूलिस को जाएगी और फिर हो सकता है फिर किसी दूसरे को जाए, अगर वो एक्टिव नहीं होता है। कैसे अगर एक्टिव हो गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर लीडर हो तो भाई एक्टिव हो जाओ, वरना चली जाएगी आईडी, ठीक है गाइस। और गाइस यही सब बात बतानी थी कि भाई एक्टिव मतलब लीडर कैसे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, और गाइस ये लागू होता है। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई फेक चीज़ बताऊँ, बिल्कुल साफ साफ और बिल्कुल बिना एडिटिंग के बता रहा हूँ गाइस, ये ऐसा होता है कि भाई वो मेल में आता है आपके पास और फिर लीडर चेंज होता है, उसे बहुत सारे क्लेन देखेंगे। और 30 डेज़ के बाद मैं आपको सिंपली दिखाऊंगा यहाँ पर चेंज होता हुआ, तो अगले जो भी वीडियो बनेगा 30 डेज़ बाद उसमें दिखाऊंगा गाइस। तो गाइस यही, और गाइस अभी तो प्रोसीजर चेंज नहीं हो सकता, करंट इसने लिख दिया है क्योंकि भाई हरक्यूलिस ही बनेगा, तो भाई वो तो वही बनेगा। तो गाइस ये चीज़ भी मैंने बता दी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो गाइस आपको शायद ये वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइस बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का वॉच करने के लिए, और गाइस आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनती रहेगी मेरी तरफ से। तो गाइस तब तक के लिए नमस्ते।